शिजानी उसको वहां से उतार रहा है कमरे में से। हाँ मर्डर भी हो सकता है। महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था। उसको हिजाब पहनाना ये सब चीजें शुरू करवा दी। हाँ शुरू करवा दी। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फांसी का फंदा बनाया हुआ था, वो चित्र दिखाया गया है 23 तारीख को। इसने डे वन से खारिज किया है लव जिहाद का, इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। उर्दू सिखाते थे। जहाँ तक हिजाब का सवाल है, आप 21st एपिसोड देख लीजिए। तुनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था। चीज तभी क्लियर की थी कि ब्रेकअप एक अच्छे नोट पे हुआ था, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही डिसाइड किया था। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज्यादा, आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। आप बोल ना मा... नहीं सॉरी मैं नहीं बोलूंगा, वो मेम ही समझ लो क्या है, पता है ना, छोटा सा बच्चा। तो फाइनली शिजान खान के केस के ऊपर में जो है अपडेट आ गया है, मतलब तुनिशा शर्मा ने जो सुसाइड कर लिया था उसके बाद से जो है सबके सब इसको लव जिहाद का एंगल बताते हुए सामने में न्यूज रख रहे थे, और जितने भी टीवी न्यूज चैनल है मतलब उन्होंने तो एकदम हद ही पार कर दी। बोला प्रेगनेंट है, ब्रेकअप की वजह से उसने जाकर के सुसाइड कर लिया, तुनिशा के ऊपर में जाल पहले से बिछाया जा रहा था, किस तरह से उसको इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था, ये सारी चीज है। लेकिन इनमें से कितनी सारी चीजें सच है, कितनी झूठ है, कितनी सारी चीजों को मोड़ा गया है, इसी बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस ऑडियो को सुनने के बाद भी जो है सोशल मीडिया में लोगों का कहना ये था कि भाई ये ऑडियो जो है एक तरफा है, उसकी माँ ने कुछ रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसकी माँ कुछ बोलती क्यों नहीं, अरे इसको जो है किसी और से डब करवा करके इस ऑडियो को लाया गया होगा ताकि शिजान खान के ऊपर से जो है वो हवा कहीं और मोड़ा जा सके। अकल के अंधे लोगों को इतना भी नहीं पता है कि कुछ लोग जो है जाकर के व्हाट्सएप पे वॉइस नोट डालते हैं, मतलब कुछ बिजी होते हैं, कुछ उस तरह से बात नहीं कर पाते, कि इनके पास वर्ड्स लिखने के वक्त नहीं होते, या फिर वर्ड्स लिखने से ज्यादा वो इमोशन को समझाने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से वो डायरेक्टली अपना वॉइस नोट भेजते हैं। और इस वॉइस नोट के अंदर में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि क्या उनकी मानसिकता रही होगी इस वॉइस नोट के समय में। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो वॉइस नोट है ये सितंबर के टाइम का है, और जो हुआ है वो तो अभी हुआ है ना, तो ये सितंबर से लेकर के अभी के बीच में कहां से हो सकता है ये कनेक्शन। इसके ऊपर में जो है काउंटर मारते हुए शिजान खान के जो लॉयर है 2 दिन पहले ही जो है कहा था कि हम सारे प्रूफ के साथ में बहुत सारी चीजों को लेकर के आपके सामने में रखेंगे, जिससे बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। और इस चीज को देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा बेताब था कि शिजान खान और तुनिशा की लव स्टोरी है उसका असली एंगल क्या है, क्या वो सच में लव जिहाद है, क्या कोई मुस्लिम का जो है नॉन मुस्लिम के ऊपर में एक अलग तरह से अटैक था, या फिर उसका कुछ प्लानिंग था। सो भाई काउंटर जो मारा है एक के बाद एक वो एकदम जबरदस्त लग रहा है, और लॉयर ने ऑफकोर्स इस चीज को जो है कोर्ट के अंदर में सारी चीजों को रखा होगा और सारे सबूतों के साथ, लेकिन सोशल मीडिया में और लोगों के सामने में जितना रखना था उसको रखते हुए जो जो चीज उन्होंने क्लियर किया है, सबसे पहला पॉइंट कि तुनिशा शर्मा की मॉम का यह कहना था कि उनकी बेटी के साथ में जो है बहुत सारी चीजें हो रही थी, उसको इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की जा रही थी, हिजाब पहनाया जा रहा था, उर्दू सिखाया जा रहा था, और उसके धीरे धीरे जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जिसके वजह से उन्होंने कहा था कि आप देख सकते हो कि वो किस तरह से जो है हिजाब पहन करके जो है सारी चीजों को कर रही है। ऑडियो में भी जो आवाज है उसके अंदर में अम्मा बोल रही है, अम्मी जान बोल रही है, तो ऐसा क्यों है। लॉयर का सबसे पहला चीज ये था कि आपको अगर सब कुछ पता था तो आप अब तक कर क्या रहे थे। और सिर्फ ये लॉयर का कहना नहीं है, बहुत सारे लोग जो है कमेंट सेक्शन पे जाकर के लिख रहे थे कि आंटी जी अगर आपको सब कुछ पहले से पता था कि आपकी बच्ची इस तरह से फंसी हुई है तो आप अब तक किस चीज का वेट कर रहे थे, यहां तक का वेट कर रहे थे। दूसरा एंगल ये बताया जा रहा है वो जो हिजाब पहनी हुई है और पूजा कर रही है वो एग्जैक्टली सेट से लिया हुआ फोटो है, और वो एक तरह का कॉस्ट्यूम है। अली बाबा दास्ताने काबुल जो है एक मुस्लिम स्टोरी है, मतलब एक उर्दू स्टोरी है, और उसके ऊपर पूरी सीरीज बन रही है, तो उसी कॉस्ट्यूम को पहन करके जो है उसमें टाइम नहीं होता है। इस चीज को शफक और फलक ने दोनों ने मिलकर क्लियर किया कि हम कॉस्ट्यूम जो है वो चेंज करने में उतना टाइम नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से पूरा दिन उसी कॉस्ट्यूम में रहते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा भाई जो है उसको इस्लाम और ये सारी चीजों में जो ढकेल रहा था और जबरदस्ती करके ला रहा था। इसके अलावा जो मेन मुद्दा ये उठा था सोशल मीडिया में इतना ज्यादा वायरल हुआ था, वो मुद्दा ये था कि जैसे ही ब्रेकअप हुआ उसके बाद से वो डिप्रेशन में चले गए और जाकर के उसने सुसाइड कर लिया। इसका जो काउंटर मारा है शिजान खान के लॉयर ने, उनका कहना यह है कि इससे पहले भी 2 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और 2 बॉयफ्रेंड के बाद भी ब्रेकअप हुआ है, और उसके बाद से वो इतना नहीं टूटी जो कि जाके सुसाइड कर ले, पर अभी इस बार में ऐसा क्या हो गया था। इसके पीछे का रीजन बताते हैं कि उनकी खुद की फैमिली के साथ में, यानी तुनिशा शर्मा की जो मॉम है और उनके जो एक मुंह बोले मामा है, मतलब जिनको वो मामा बता रही है, उनके साथ में उनका रिलेशन सही नहीं था, क्योंकि उनके तरफ से काम को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता था। जैसे कि हमने मूवीज में भी देख रखा होगा, कई बार हमने कई अलग अलग कॉन्टेंट से इस चीज को समझा है कि जब कोई अच्छा चेहरा होता है, खास करके कोई लड़की होती है, और वो जब इस इंडस्ट्री में आती है तो उसके घर वाले प्रेशराइज करते कि और ज्यादा काम करो, इस तरह से काम करो, ये वाला काम मत करो, वो वाला काम करो, कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस चलता था, और उसके वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस रहती थी, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर वो काम कर रही थी। अब जो काउंटर इंटरव्यू था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था लॉयर के साथ में, उसमें शिजान खान
की मॉम का कहना ये था कि हम लोग खुद चाहते थे कि वो हमारे पास आ जाए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते थे। अभी जो हो चुका है, एक बच्ची जो है वो दुनिया छोड़कर जा चुकी है, लेकिन अभी जो शीजान खान के ऊपर में जो भी इल्जाम लगाया जा रहा है, जिस तरह से तुनिशा शर्मा की मॉम उसके ऊपर में इल्जाम लगा रही है, तो वो क्या चाहती है कि मेरा बच्चा भी ऐसा ही कुछ कर ले, वो भी ये दुनिया छोड़ के चला जाए। सोशल मीडिया में इस चीज को लेकर के लोगों का कहना ये चल रहा है कि उसकी बेटी ये दुनिया छोड़ के जा चुकी है, तुम्हारा बेटा सिर्फ जेल गया है, तो भाई इस दोनों के बीच में कंपेयर कैसे कर सकते हो। सबसे पहली चीज, इंटरव्यू को गौर से देखो, आपको समझ में आएगा वो क्या कह रही है। इस दुनिया की कोई भी माँ हो, कैसी भी माँ हो, वो सबसे पहले अपने बच्चे को डिफेंड करने का ही सोचेगी, और वो भी वही कर रही है, तो क्या वो इतना भी ना बोले, क्या एकदम पूरी तरह से चुप हो जाए। लॉयन ने बीच में एक और पॉइंट रखा जिसके अंदर में ये कह रहे कि जिस वक्त में उसकी बॉडी को ले जाया गया था और उसके बाद से कुछ क्रिमिनेशन का भी माहौल था उस वक्त में, तो उस वक्त में सारी चीजों को छोड़ करके उनका ये करना था कि सबसे पहले जो पावर ऑफ अटर्नी है इस केस का, वो किसी और के ऊपर देना था। तो ये चीज समझ में आता है कि हाँ वो उस हाल में नहीं है कि इस केस को जो है वो सही तरह से हैंडल कर पाए, तो किसी और को इस केस का पावर ऑफ अटर्नी दे दिया। लेकिन कागजात को लेकर के इतना ज्यादा जल्दबाजी करना, ये लॉयर का कहना है। मतलब ये कहने की कोशिश हो रही है कि होश आवाज सब कुछ सही है, बस अभी अभी जो चीज हो चुका है अभी किसी ना किसी तरह से घुमाना है और घुमा करके रख दिया। इन सारे मुद्दों के बीच में एक चीज आपको समझ में आ रहा है, जिस तरह से लोग शीजान खान पे टूट पड़ रहे हैं कि भाई ये लव जिहाद का एंगल है, ये जानबूझ करके किया गया है, ये और भी मल्टीपल लड़कियों के साथ में मल्टीपल रिलेशन में था। भाई ब्रेकअप सबके होते हैं, मूव ऑन सब करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे बहुत बड़ा सोची समझी साजिश घुसेड़ दो या फिर बोल दो कि यार ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है। अगर मान के चलो जस्ट सपोज शीजान खान ने ये चीज कर लिया होता आफ्टर ब्रेकअप, सपोज किया होता, क्या ये न्यूज इतना ज्यादा हाईलाइट होता, इतना ज्यादा लाइमलाइट मिलती इस न्यूज को? क्या इसमें जो अभी सेंटिमेंट जुड़ी हुई है वो सेंटिमेंट उस वक्त भी जुड़ा हुआ रहता? हेट फैलाने से पहले, कोई भी चीज रखने से पहले एक बार तो सोचो। अभी सोशल मीडिया में ये चल रहा है, अरे उसका व्हाट्सएप मैसेज उड़ा दिया गया है। इस चीज के ऊपर में लॉयर का कहना यह है कि सबसे पहली चीज, शीजान खान को किस तरह से अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करना ही नहीं बनता था, वो उल्टा उसको लेकर के आया था हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया। अगर लोगों का ये कहना है कि उसके सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए गए, तो उसके फोन उसी वक्त ले लिया गया था, उसके पास में ये सारा टाइम ही नहीं था, वो जस्ट पहुंचा और अरेस्ट हो चुका है। और वो अरेस्ट किस बिना पे किया गया, लोगों के शक की वजह से या सच में कुछ हाथ लगा? अगर कुछ हाथ लगा तो फोन में होना चाहिए और फोन में से निकाल सकते ना सब कुछ। जहां तक कि फोन की बात है, एक चीज बता दे रहा हूं, लॉयर का कहना यह है कि उस सेट के अंदर में, पूरे सेट के अंदर में तुनिशा शर्मा के दिमागी हालत के बारे में सबको पता था कि वो कितनी ज्यादा डिप्रेस थी, कितनी ज्यादा डिस्टर्ब थी, क्योंकि उसने मजाक मजाक में किसी और को जो है फोटो दिखाया और उस फोटो में जो है फांसी का फंदा बना हुआ था। उसको देखने के बाद ही सबसे पहले इन्फॉर्म किया गया था उनकी मॉम को और शीजान खान को। दोनों ने मिलकर के इस चीज को हैंडल करने की कोशिश की होगी? नहीं, सिर्फ शीजान खान ने उस जगह पे समझाया था, माँ को बताया गया था कि आप इनका ध्यान रखो, आप इनको अकेले मत छोड़ो, कहीं पे भी अकेले मत छोड़ना। और ये पूरी सेट में सबसे कम उम्र की एक स्टार थी जिसको अभी हैंडल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और उसकी ये जो दिमागी हालत चल रही कि वो ऐसा कुछ सोच रही है, उस चीज को रोकने की जरूरत थी। लेकिन माँ ने इन सारी चीजों को जानने के बावजूद भी, और आज जो कहती है कि थप्पड़ मारा करता था, जब वो थप्पड़ मारा कर रहा था तो आप उस वक्त में कर क्या रहे? आप काम करवाए जा रहे थे, कंटिन्यू सारी चीजें कर रही थी, और आज इस सिचुएशन पे आकर के सारा ब्लेम जो है डाला जा रहा है। आई होप कि इस केस के ऊपर में जो है कुछ नए तरीके से काम किया जाएगा और जो भी सच है वो सामने आएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है, शीजान खान ने अगर कुछ किया है, डेफिनेटली उसको भी पे ऑफ करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया है तो सही दिशा में इस केस को ले जाना चाहिए, ना कि ऐसा हो जाए कि एंड में ये हो कि ये केस भी जो है ऐसे ही अनसॉल्व रह गया और इसके पीछे का कुछ भी मतलब नहीं निकला। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन पे जाकर के लिखो। आप शीजान खान के बारे में क्या सोचते हो और तुनिशा शर्मा के बारे में क्या? अभी जो चीज है, अगर सच्ची में जो फैंस लोग है इस तरह से फैला रहे हैं कि तुनिशा शर्मा के साइड में है या फिर कुछ लोग शीजान खान के साइड में है, यार वेट करो, ट्रुथ जो भी रहेगा वो सामने आएगा। सो तब तक के लिए प्लीज फिंगर क्रॉस, और जो भी है यार प्यार से लेकर के इस चीज को चलना चाहिए। बताओ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।